हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम अभी चंद्रपुर कोर्ट में आए हैं। तो अभी मैं हूँ एडवोकेट अभय पासपोर्ट, जो प्रेसिडेंट है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, और उनसे बात करके कुछ हम जानकारी लेंगे। तो अभय जी, आपका पहले तो धन्यवाद कि आपने आपका समय दिया हमारे इंटरव्यू के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि आज जहाँ पे कोर्ट लोकेटेड है, तो वहीं पे पहले था या कहीं और पहले हुआ करता था कोर्ट? लोकेशन वही था, पहले पुराना एक कोर्ट था, तकरीबन 1996 तक वहीं पे था। प्रीमाइसेस काम बढ़ने के वजह से उसको सिर्फ एक प्रीमा, हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रीमाइसेस मिल गया था, वहाँ पे नई बिल्डिंग बन गई थी, लेकिन लोकेशन वही है, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने और रेलवे स्टेशन जो है हमारा उससे बिल्कुल लगभग एक 500 किलोमीटर इसके अंदर में वो दायरे में आता है, और लोगों को सुविधाजनक इसमें ही वो वही लोकेशन पे वो बिल्डिंग है। अच्छा सर, अपने बार की स्ट्रेंथ क्या है आज के दिन में? आज के तारीख में बार की स्ट्रेंथ तकरीबन 850 वकील है, लेकिन उसमें से कार्यरत वकील तकरीबन 450-450 वकील कार्यरत है। अच्छा, और सर बार में वकीलों के लिए बैठने की जगह कहाँ है? हमारे यहाँ पे बैठने की व्यवस्था तकरीबन 6 रूम में है, उसमें से एक रूम हमने स्पेशल लेडीज एडवोकेट्स के लिए रखी हुई है, और बाकी 5 रूम में मिक्सअप बैठते हैं, जेंट्स भी बैठते हैं और एडवोकेट लेडी एडवोकेट भी बैठती है, ऐसे 6 रूम हमने सबको अलॉट किया है। अच्छा सर, आपके यहाँ एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं बार की तरफ से? हम एक्टिविटीज गत 10-12 साल से हमारे यहाँ पे क्रिकेट APL यानी एडवोकेट प्रीमियर लीग करके APL करके 3 दिन का हमारा एक उत्सव रहता है क्रिकेट का, वह तकरीबन हम 24, 25, 26 जनवरी इस टाइम में लेते हैं, और उसके बाद हम कल्चरल और अदर एक्टिविटीज प्रोग्राम लेते हैं, जैसे बैडमिंटन हुआ, वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, इसके भी हम स्पर्धा लेते हैं, लेकिन वो क्रिकेट होने के बाद, और साथ में ही हमारे कल्चरल प्रोग्राम रहते हैं, उसमें हम पूरे परिवार सम्मिलित होते हैं, और परिवार में सम्मिलित होने के बाद परिवार के छोटे बच्चों के लिए भी हम एक कार्यक्रम रखते हैं शाम को। अच्छा। और दूसरे दिन हम कल्चरल प्रोग्राम में हमारे ही अधिवक्ता गण, हमारे भाई बहने जो अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा मिमिक्री करते हैं, उनके लिए हम शाम के समय वो प्रोग्राम रखते हैं, कल्चरल प्रोग्राम। अच्छा, और कोई दीपोत्सव का प्रोग्राम आपका है? दीपोत्सव 2 साल से कोरोना के वजह से कुछ कार्यक्रम हो नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी फिर से धीरे धीरे कोरोना कम होने के वजह से लॉकडाउन खुल रहा है, इसलिए इस साल हमने दीपोत्सव कार्यक्रम लिया हुआ है, और कल ही हमारा वो दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ और भारी संख्या में सभी उपस्थित थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये जो सरकार, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया हुआ कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत कल ही हमने हमारे अधिवक्ता गण के जो सदस्य 75 साल पूरे किए उन्होंने अपने जीवन के, उनका हमने कल सत्कार कार्यक्रम रखा हुआ था। यही नहीं तो यही थीम पे ने आजादी का अमृत महोत्सव, ये थीम लेके हमने रंगोली स्पर्धा आयोजित की हुई थी, उसमें सिर्फ नहीं सिर्फ महिला अधिवक्ता नहीं तो न्यायालयीन कर्मचारी के महिला वर्ग उपस्थित थे, उन्हें वहां उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और उसके बाद शाम को हमने 6 बजे वही आजादी का अमृत महोत्सव यही थीम लेके हमने 75 दिए हमारे कोर्ट प्रीमाइसेस में लगाए। अच्छा, और कुछ जन जागृति का कोई अभियान वगैरह कुछ है उसके? जन जागृति अभी हम ये आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे यहाँ पे हमारी खुद की टीम है जो पथनाट्य करती है, और उसमें 4-5 अधिवक्ता ऐसे हैं जो उनको पथनाट्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, हम वो छोटे छोटे गांव में अभी गत दिवाली के बाद हम पथनाट्य के द्वारा जागृति जन जागृति करने के लिए तैयार है। अच्छा, और सर ये जो कोर्ट का हिस्ट्री है, क्योंकि ये 100 बरस पुराना कोर्ट है, ये कम सही बात, तो उसका आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किया हुआ है? सर, हमारे यहाँ पे एक गोंडवाना तिल विधि वैभव, ये किताब हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्रकांत देशमुख, आज वो नहीं रहे, उन्होंने अपने जमाने अध्यक्ष जब थे उन्होंने पूरा इतिहास कलेक्ट किया हुआ है। पहले चंद्रपुर का जो कोर्ट था, वो पहले चंद्रपुर और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट था, बाद में शायद 1997 या 1995 के इसमें वो उन्हें गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ, लेकिन चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिला मिलकर उन्हें गोंडवानातील विधि वैभव करके किताब रखी हुई है, उसमें पूरी जानकारी है। मैं महाराष्ट्र के सभी अधिवक्ताओं को विनती करता हूँ कि चंद्रपुर जिला ये आदिवासी बहुल है ऐसे समझ में आता है, लेकिन चंद्रपुर जिला ये इंडस्ट्रियल जोन भी है, इसमें कोयला का भी उत्पादन होता है, CTPS करके आशिया में दूसरे नंबर का बीज उत्पादन यहाँ पे होता है, इसी इसमें मैं बोलता हूँ कि हमारा जो इतिहास लिखा हुआ है
माननीय चंद्रकांत देशमुख जी, इन्होंने ये किताब पढ़ने लायक है, जिनको भी चाहिए चंद्रपुर जिले के बारे में जानकारी के लिए ये किताब हमारे आपसे मंगवा सकते हैं। और सर ये बार और बेंच के रिलेशन किस तरह के हैं हमारे यहाँ? हमारे यहाँ पे बार और बेंच के रिलेशन अच्छे हैं, दोनों अच्छे साथ चलते हैं। जैसे एक रथ रहता है, रथ में दो चाक रहते हैं, तो दोनों चाक के बिना रथ दौड़ेगा नहीं, ये जानकारी बार को भी है और बेंच को भी है। इसलिए अगर न्यायपूर्ण वाला अगर रथ अगर दौड़ाना चाहिए तो उसके लिए बार और बेंच के दो रथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और सर ये टोटल ज्यूरिसडिक्शन कितने जिलों, मतलब तहसील या तालुका को कवर करता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंद्रपुर? हमारे यहाँ पे वैसे चंद्रपुर जिले में दो डिस्ट्रिक्ट जज ने दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अभी एक तुरंत 4-5 साल पहले वरोड़ा कोर्ट हुआ है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होने की वजह से वहाँ पे ऑटोमेटिक सीनियर डिविजन चला गया है। उनमें वरोड़ा में एक भद्रावती तालुका, वरोड़ा तालुका और चिमूर तालुका, ये तीन तालुकों का ज्यूरिडिक्शन दिया हुआ है। उर्वरित जो 13 तालुके है हमारे के 12-13 तालुके जो है, वो 12-13 तालुका का ज्यूरिडिक्शन पूरे चंद्रपुर कोर्ट में ही है। अच्छा। सेशन कोर्ट से लेकर सीनियर डिवीजन तक। ओके। और तकरीबन 15 तालुके हमारे यहाँ पे है, एक तालुका छोड़ा, ज्योति एक तालुका छोड़ दिया तो सभी तालुका में तालुका कोर्ट है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी बताया कि ज्यूरिसडिक्शन कितना है, तो उसी तरह से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने कोर्ट है टोटल? सर देखिए, चंद्रपुर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुल मिला के 5 है, और एक स्पेशल कोर्ट जो पोक्सो के लिए अभी आया हुआ है वो एक स्पेशल कोर्ट, एक ऐसा करके 6 डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट है। सीनियर डिवीजन 5 है और उसमें और एक एक्स्ट्रा जॉइंट सिविल जज सीनियर डिवीजन है। जिस एक्स्ट्रा जॉइंट सिविल जज सीनियर डिवीजन जो है उसको स्कूल ट्रिब्यूनल का भी एडिशनल स्कूल ट्रिब्यूनल चंद्रपुर का दायित्व दिया हुआ है, और हमारे पे एडिशनल स्कूल ट्रिब्यूनल का जो दायित्व दिया हुआ है जिनको, उसका ज्यूरिडिक्शन सिर्फ चंद्रपुर जिले तक नहीं है, उसमें चंद्रपुर जिला, गढ़चिरौली जिला और वर्धा जिला, ये तीन जिलों में जो एडेड और अनएडेड स्कूल है वहाँ के कर्मचारियों को जो निलंबित किया जाता है या ट्रांसफर टर्मिनेट किया जाता है, उसके जो अपील तय होते हैं वो अपील का ज्यूरिडिक्शन वो स्कूल ट्रिब्यूनल को दिया हुआ है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला है कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ये इंडस्ट्रियल जोन भी है, इसलिए यहाँ पे एक लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट भी है। अच्छा। वो कार्यरत है। ओके ओके, ठीक है सर। और जूनियर डिवीजन तकरीबन मेरे हिसाब से 8-9 कोर्ट है, सीजीएम मिला के 8 कोर्ट है, ऐसे कुल मिला के 25 कोर्ट हमारे यहाँ चंद्रपुर में है। तो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 25 कोर्ट है आज के दिन, ट्रिब्यूनल और कोर्ट मिला। ओके सर, तो अभय सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छा ये कहा कि कई लोगों को ऐसी दे हैव अ रॉन्ग नोशन अबाउट चंद्रपुर, बट आपने जो राइटली बताया कि इट्स एन एब्सोल्यूट एक्सेलेंट इंडस्ट्रियल सिटी, और वो जो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो भी बहुत बड़ा है। तो सर एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहकार्य के वजह से मैं यहाँ पे बाकी इंटरव्यूज कर सका, और आपने भी आपका समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर आइए कभी चंद्रपुर में। धन्यवाद।